नमस्कार मित्रों, फिर से आपका स्वागत है समराइज मेरे यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे सावरकर की, आज विनायक दामोदर सावरकर की आज मेरे ख्याल से 138th बर्थ एनिवर्सरी होगी, 129वां जन्मदिन होगा, जन्मतिथि होगी उनकी, जिनको संघ के लोग वीर कहते हैं। संघ की दिक्कत है, उनको वीर बहुत मुश्किल से मिलते हैं, उनको खोजना पड़ता है। तो ऐसे कभी भी सावरकर संघ की परंपरा में तो नहीं रहे, लेकिन अब उनके पास कोई और है नहीं, तो उनको कभी शास्त्री को चुराना पड़ता है, कभी पटेल को चुराना पड़ता है। सावरकर तो खैर फिर भी उनके करीब हैं। सावरकर वीर थे या नहीं, माफी वीर तो थे, दिस इज एस्टैब्लिश्ड फैक्ट ऑफ द हिस्ट्री विच इवन आरएसएस गाइस कैन नॉट डिनाई। इसके पहले कि आगे बढ़ूँ, फिर से याद दिलाऊँ कि अगर आपको मेरे ये वीडियोस अच्छे लग रहे हों, आपको लग रहा हो कि इनसे डिस्कोर्स में, इनसे बातचीत में, इनसे विमर्श में कोई मदद मिल रही हो, केवल ये नहीं कि मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, हम सब लोग विद्यार्थी ही हैं, इतिहास का विद्यार्थी, मैं उस तरह से केवल मॉडर्न हिस्ट्री का विद्यार्थी रहा हूँ, बट आई एम नॉट अ हिस्टोरियन। सो हम लोग भी दुनिया में जो चीज़ें उपलब्ध हैं उन्हीं से सीखते हैं। अगर आपको सवाल भी मिल रहे हों, आपको लग रहा हो कि आपके मन में इनसे कुछ सवाल भी आ रहे हों, तो भी चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को अपने समूहों में साझा करें, अपने सोशल मीडिया सर्कल्स में भी भेजें, व्हाट्सएप वगैरह पे भी भेजें। सो बैक टू सावरकर। वॉज सावरकर फॉरगेट अ पैट्रियट? सावरकर वॉज नॉट अ पैट्रियट, सावरकर वॉज अ ट्रेटर। अपनी जिंदगी का पहला हिस्सा छोड़ के, एक हिस्सा है 1910 से लेकर के 1921 तक का, 1910 to 1921, इन विच सावरकर, नॉट इवन 1921, सॉरी उसने तो बहुत जल्दी, 1910 के पहले का सावरकर, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, 1921 में तो उसको अंग्रेजों ने पेंशन बांध के रिहा कर दिया था, ही वॉज अ ब्रिटिश पेंशनर। तो एक सावरकर है जो 1910 के पहले का सावरकर है, वो सावरकर हैं। ही इज अ पैट्रियॉट, इवन इफ अ बायगॉटेड पैट्रियॉट, क्योंकि वो अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि उन्होंने मस्जिद तोड़ दी थी बचपन में ही, अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल के इस तरह वो सपोर्टर हुए, तो बायगॉटेड ही सही, लेकिन उन्होंने कुछ काम ऐसे किए जिससे उनको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी 1910 तक माना जा सकता है। 1910 से ये बात, जब वो पकड़ के वापस लाए जाते हैं काले पानी में, सेलुलर जेल में, अंडमान में, उसके बाद का सावरकर जो है वो ब्रिटिश अपोलॉजिस्ट है, कावर्ड है, कायर है, जान की नहीं रिहाई की भीख मांग रहा है, जान की भीख तो उसे अंग्रेजों ने दे दी थी। सो लेट्स फोकस ऑन द फर्स्ट पार्ट, मीन्स लाइक माफी पे तो इतनी बात हो गई है, उस पर तो बहुत सारे लेख लिखे गए हैं, बहुत सारी उस पर सामग्री है, बहुत मटेरियल है, यू कैन गो थ्रू, मैंने भी उसके बारे में लिखा ही है, तो हम माफी पे बाद में आते हैं। इस बार हम सावरकर को एक एक हिस्से में उठाते हैं। वॉज सावरकर रियली ब्रेव पैट्रियट? ही वॉज नॉट आफ्टर 1921। मैं क्यों कह रहा हूँ आप जानते हैं। ब्रेवरी कैसे तय होगी? भारत की स्वतंत्रता संग्राम की दो धाराएं थी मोटा मोटा, एक अहिंसक लोकतांत्रिक ढंग से नॉन वायलेंस के रास्ते पे चल के स्वतंत्रता की मांग करने वाली, जिसमें गांधी थे, जिसमें नेहरू थे, जिसमें मालवीय थे, जिसमें लगभग कांग्रेस के पूरे हिस्से थे, जिसमें सुभाष चंद्र बोस भी रहे, बहुत लंबे दौर तक रहे। तो एक कांग्रेस का यह हिस्सा था स्वतंत्रता संग्राम सेना, स्वतंत्रता संग्राम का, जो अहिंसक था, जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स पे विश्वास करता था, और एक दूसरा हिस्सा था जो मिलिटेंट था, जो रेवोल्यूशनरी था, उसका भी बहुत लंबा इतिहास है, अनुशीलन समिति से लेकर के अरविंदो घोष महर्षि जो बाद में बने, वो जीवन की शुरुआत में क्रांतिकारी थे, सचिंद्रनाथ सान्याल, बहुत सारे लोग थे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, ये दूसरा हिस्सा था जो मिलिटेंट था। एक बात में ये दोनों हिस्से कन्वर्ज करते थे, वो चाहे कांग्रेस हो जो नॉन वायलेंट तरीकों से स्वतंत्रता मांग रही थी, या जो क्रांतिकारी हो, ये जब भी पकड़े गए, जब भी जेल भेजे गए, इनके ऊपर जो भी जुल्म हुए, इन्होंने माफी नहीं मांगी, इन्होंने जेल की सजाएं काटी, इन्होंने सब कुछ सहा, दे सैक्रिफाइस्ड बट दे नेवर अपोलोजाइज्ड, अनलाइक माफी वीर सावरकर, जिसने पांच पांच बार माफी मांग के दुनिया के निकृष्टतम शब्दों में, मैं तो आपका भटका हुआ बेटा हूं, आप माफ नहीं करेंगी तो कौन करेगा, वगैरह वगैरह, बट एज आई सेड वी विल कम टू दैट पार्ट लेटर। अभी ये कि वीर हैं कि नहीं,
जब असेंबली में बम फेंकने की बात आई तो सैंडर्स की हत्या में अपनी भूमिका के बावजूद भगत सिंह ने जोर दिया कि मैं जाऊंगा। आजाद उनको मना करते रहे, पूरी पार्टी उनको मना करती रही कि दिक्कत हो सकती है, लेकिन वो गए। चंद्रशेखर आजाद जब घेर लिए गए एक संघी की मुखबरी पे, वो लड़ते हुए शहीद हुए। जब अशफाक उल्ला खान से एक मुस्लिम एसपी खान साहब ने कहा कि तुम क्यों इन पंडितों के चक्कर में, हिंदुओं के चक्कर में पड़े हो, अगर ये जीते तो अपना राज बनाएंगे, उस पे अशफाक उल्ला खान का जवाब पढ़िएगा। ठाकुर रोशन सिंह के बारे में पढ़िएगा। ये सारे लोग जो शहीद हुए, जिन्होंने कभी समझौता नहीं किया, या शायद उनमें से कुछ ने किया भी, जयगोपाल ने किया। सैंडर्स की हत्या में भगत सिंह की भूमिका की जानकारी ब्रिटिश पुलिस को नहीं थी, राज को नहीं थी, ब्रिटिश एम्पायर को, एक जो उनका एक हिस्ट्री में एक बहुत सामान्य नाम माना जाता है उसको राज कहते हैं, द राज, आरएजे। तो राज को नहीं पता था कि उनकी क्या भूमिका थी। जयगोपाल ने, जो उस समय एचएसआरए का हिस्सा था, वो शहीद भी हो सकता था, लेकिन बाद में वो कैसे टूटा, क्यों टूटा, कोई नहीं जानता, लेकिन याद करें कि उसे कोई वीर नहीं कहता। उसी के अप्रूवर बनने पे, वादा माफ गवाह बनने पे भगत सिंह को फांसी हुई, और उसे कोई वीर नहीं कहता। ऐसी हालत में सावरकर जैसे आदमी को, जिसने 5-5 बार माफी मांग के अपनी रिहाई सुनिश्चित कर ली हो, उसको कोई वीर कैसे कह सकता है। सेलुलर जेल में, काला पानी में भेजे जाने वाला सावरकर कोई अकेला क्रांतिकारी नहीं था। काला पानी भारत के क्रांतिकारियों से पटी हुई थी, उनमें से इसके अलावा किसी के माफी मांग के वापस आने का इतिहास नहीं मिलता। लेकिन बात सिर्फ इतनी भी नहीं, बात इसके और आगे भी जाती है। बात इसके आगे यहां तक जाती है कि ये जो वीर आदमी था, क्या इसने जिंदगी में मिलिटेंट रेवोल्यूशनरिज्म की बातें करते हुए, अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष की बातें करते हुए भी कभी जिंदगी में अपने आप से कोई हथियार छुआ? 3 मामलों में इसके ऊपर मुकदमे चले जो हिंसा के मामले थे। पहला मुकदमा मजिस्ट्रेट AMT जैक्सन की हत्या की साजिश का, उसमें गोली किसने चलाई? उसमें 18 साल के अनंत लक्ष्मण कन्हेरे ने गोली चलाई। 19 अप्रैल 1910 को उसे फांसी भी हो गई। उसके साथ साथ जो और 3 साथी थे, जो 4 एक्यूस्ट थे, उनमें से 3 को फांसी हुई। एक्यूस्ट कौन थे? सावरकर, अनंत लक्ष्मण कन्हारे, कृष्णजी कारवे और विनायक देशपांडे। अनंत को फांसी हुई, कृष्णजी कारवे को फांसी हुई, विनायक देशपांडे को फांसी हुई, सावरकर छूट गया। इसके बाद दूसरा मुकदमा इंग्लैंड में, लंदन में लॉर्ड कर्जन वाइली की हत्या की साजिश का, उसमें गोली मदनलाल ढींगरा ने चलाई। उसमें भी सावरकर पीछे था, दूसरों के कंधे पर रख के बंदूक उसने जिंदगी भर चलाई। मदनलाल ढींगरा पकड़े गए, उनको फांसी हुई, शहादत मिली। सावरकर को अंग्रेजों ने फिर छुट्टा घूमते रहने दिया, आराम से पेरिस भी जाने दिया, जहाँ पर वो मैडम कामा के घर पर उन्होंने शरण ली। खैर, ये भी बहुत दिलचस्प है कि इनकी जो मुकदमा था, जो इनका, वो मार्क्स के पोते ने लड़ा, लेकिन कभी उस पर बाद में, क्योंकि तब तक ये क्रांतिकारी माने जाते रहे थे, अभी तक ये गिरफ्तार होके अंडमान नहीं लाए गए हैं, अभी तक इन्होंने माफी नहीं मांगी है। इनके ऊपर जितने भी मुकदमे हुए, हत्या की साजिश के हुए, उसके बाद जो तीसरा मुकदमा हुआ गांधी की हत्या में साजिश का, वहां भी गोली इन्होंने नहीं चलाई, वहां भी गोली नाथुराम गोडसे ने चलाई। तो आप इस आदमी का जीवन देखें, क्रांतिकारिता की बात करते हुए यह आदमी हमेशा पीछे खड़ा रहा। युद्ध में कहा जाता है कि जनरल हमेशा सबसे आगे बढ़कर नेतृत्व करते हैं, एक ये अजीब जनरल है जो पीछे छुपा रहता है। इस आदमी को काले पानी की सजा, जो मैंने पहला मामला बताया मजिस्ट्रेट AMT जैक्सन की हत्या की साजिश का, उसमें हुई थी, जिसमें बाकी 3 साथियों को फांसी हो गई। करजन वाली की हत्या में मदनलाल ढींगरा को फांसी हो गई, यह आराम से घूमता रहा। नाथुराम गोडसे को फांसी हो गई, गोपाल आप्टे को फांसी हो गई। यह आदमी सबूतों के अभाव में बच निकला, लेकिन सिर्फ इस वादे के बाद
कि कभी कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं करेगा एंड ही लिव्ड लॉन्ग। आरएसएस वाले जब बात करते हैं, संघी जब बात करते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये जो वीर आदमी है वो 1947-48 में मर गया जैसे, मतलब या कम से कम गांधी की हत्या के बाद मर गया। नहीं, उसके बाद पूरे 19 साल जिंदा रहा ये आदमी, 1966 में जाके मरा। नेहरू भी जा चुके थे, शास्त्री 2 साल प्रधानमंत्री रहे, लेकिन इसने अपनी रिहाई इस शर्त पे खरीदी थी कि इसके बाद वो किसी पॉलिटिकल गतिविधि में हिस्सा नहीं लेगा, और इस कायर ने नहीं लिया। आज के दौर में संघी लाल बहादुर शास्त्री जी को भी चुराने की कोशिश करते हैं, उस आदमी को जो आजीवन कांग्रेसी रहा, जो नेहरू की तरह, पटेल की तरह ही गांधी का चेला रहा। लेकिन शास्त्री जी भी जब देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी इस आदमी को राजनीतिक काम करने की इजाजत नहीं दी, और इस आदमी की हिम्मत नहीं हुई। तो हिंसा के 3 मामले इसके ऊपर, उन तीनों मामलों में गोली किसी और ने चलाई, फांसी किसी और को हुई, ये पीछे खड़ा रह के बच बच के भागता रहा। दूसरा झूठ जो इसके बारे में बोला जाता है कि 27 साल अंग्रेजों ने जेल में रखा, झूठ। ये कुल 10 साल जेल रहा, अंग्रेजों से 5 बार माफी मांग के 1921 में तो रिहा भी हो गया, पेंशन के साथ 60 रुपए हर महीने। दैट इज अ ह्यूज मनी, दैट वुड रन इन लैक्स इन टुडेज इंडिया। एक और झूठ है इसके बारे में, इसकी माफियों पे बाद में आते हैं, कि इसकी किताब 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का तीसरा संस्करण भगत सिंह और चौथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने छापा। इस पर तो ढंग से हंसी भी नहीं आती। भगत सिंह की जेल, भगत सिंह भारत के उन बहुत कम क्रांतिकारियों में से हैं जिनकी जिंदगी केवल खुली किताब नहीं है, इट्स नॉट एन ओपन बुक अलोन, इट्स अ रिटन बुक। उन्होंने अपनी जेल डायरी तक लिखी है जिसमें उनकी जिंदगी का हर बड़ा वाकया, हर छोटा वाकया दर्ज। सुखदेव अगर उनके ऊपर आरोप लगा देते हैं कि तुम किसी के प्रेम में हो इसलिए क्रांतिकारिता के रास्ते से हट रहे हो, उसका जवाब भी जो आदमी दे रहा है, जो आदमी जेल में रहते हुए अछूत समस्या पे लेख लिख रहा है, जो आदमी जेल में रहते हुए नास्तिक क्यों हूँ ये बता रहा है, वो आदमी बस एक बात छोड़ दे रहा है कि उसने सावरकर की किताब छपवाई थी। ऐसे झूठ बोलते हुए संघियों को शर्म नहीं आती, पता नहीं। भगत सिंह प्रताप प्रेस कानपुर में रहते हुए उन्होंने 2 किताबें जो छापी थी, उनमें से एक थी आयरिस क्रांतिकारी डॉन ब्रीट की आत्मकथा, दूसरी थी जो संभवता आदमी सचिंद्रनाथ सान्याल की बंदी जीवन का अनुवाद, जिसके विज्ञापन पंजाबी अखबार कीर्ति में छपे, जिसके संपादक मंडल के भगत सिंह सदस्य थे, और 1928 तक वो उसमें लगातार लिखते रहे। भगत सिंह की जेल डायरी में, भगत सिंह के लिखे हुए किसी भी दस्तावेज में सावरकर नाम के कायर का कोई जिक्र नहीं। नेहरू का है, नेहरू को युगांतरकारी बोलते हैं, ये भगत सिंह के शब्द हैं, सावरकर का नहीं। सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी है कि सुभाष चंद्र बोस भावुक हैं, भारत की तरुणाई को रास्ता नेहरू में देखना है, ये भगत सिंह के शब्द। उल्टा अगर आप देखें कि यशपाल सबसे ज्यादा करीब जाते हैं सावरकर के जिक्र में, अपनी किताब, चर्चित किताब, चंद्रशेखर आजाद के साथी हैं, भगत सिंह के साथी हैं, अपनी चर्चित किताब सिंहावलोकन में उन्होंने बताया है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के लिए चंदा मांगने पर सावरकर के भाई बाबूराव ने जिन्ना को मारने के लिए पैसे देने की बात की। जिन्ना ने अभी बंटवारे की भी बात नहीं की थी, देयर वॉज नो टू नेशन थ्योरी बाय देन, अगले 10 साल तक नहीं की। और आजाद भड़क गए और उसको मार के भगा दिया कि ये कमीना हमें पेशेवर हत्यारा समझता है। सुभाष चंद्र बोस का उनकी किताब का चौथा संस्करण छापने का दावा और भी हास्यास्पद है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही थे जिन्होंने कांग्रेस का अध्यक्ष बनते ही 1938-39 में कांग्रेस में दोहरी सदस्यता की इजाजत से हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग दोनों के सदस्यों को हटा दिया था। सुभाष चंद्र बोस वॉज द कांग्रेस प्रेसिडेंट who disallowed dual membership for the members of, in his own words, communal organizations, fanatical organizations named Muslim League and Hindu Mahasabha led by Savarkar. उनको quote कर रहा हूं। कुछ समय पहले तक कांग्रेस के नेता हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग जैसे सांप्रदायिक संगठनों के सदस्य हो सकते थे, पर अब समय बदल गया है, दोनों सांप्रदायिक संगठन और सांप्रदायिक हो गए हैं।
बोथ कम्युनल ऑर्गेनाइजेशंस हैव बिकम मोर कम्युनल। इसलिए कांग्रेस ने संविधान में इन दोनों को सदस्यता ना देने की धारा जोड़ दी। इसके बाद का झूठ तो और बेशर्म बेहयाई वाला झूठ है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना सावरकर के निर्देशन में की। आजाद हिंद फौज नेताजी ने बनाई, जब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से उनको जबरदस्ती हटना पड़ा गांधी की जीत के बाद, फिर वो नजरबंदी में रहे, वहां से बहुत वीरतापूर्वक फरार हुए, अफगानिस्तान पहुंचे, वहां से आगे निकले, जर्मनी पहुंचे, जापान पहुंचे, आजाद हिंद फौज बनाई। और आजाद हिंद फौज बनाई और उसमें जो ब्रिगेड्स के नाम रखे वो क्या रखे? गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड और एक रेजिमेंट रानी की झांसी रेजिमेंट। सावरकर की प्रेरणा से आजाद हिंद फौज बनाने वाला आदमी अपने ब्रिगेड्स का नाम गांधी और नेहरू के नाम पर रख रहा है जिनसे वो स्ट्रेंज्ड है। वो पहली बार जब प्रसारण करता है आजाद हिंद फौज रेडियो का तो महात्मा गांधी को सुप्रीम कमांडर बोलता है। आजाद हिंद फौज का सुप्रीम कमांडर कौन है? सुभाष चंद्र बोस नहीं, सुभाष चंद्र बोस खुद ये कह रहे, महात्मा गांधी। और फिर संघियों का दावा कि इस आदमी ने प्रेरणा दी। खैर, अगर ये आधा सच भी होता कि उनको कोई प्रेरणा, तो खैर सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज ब्रिटिश फौज के खिलाफ लड़ रही थी और अपनी रिहाई की शर्त और पेंशन की कीमत पे सावरकर उसी ब्रिटिश फौज में लोगों की भर्ती का आह्वान कर रहा था। ये कैसी प्रेरणा है? संघियों को मुझे पता है इतिहास से बोध से उनका कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर इसमें थोड़ा दूर का भी सच होता तो सावरकर मरा तो था नहीं, हिंदू महासभा का अध्यक्ष तो था ही और हिंदू महासभा में कुछ तो लोग रहे होंगे। अगर सावरकर की प्रेरणा से आजाद हिंद फौज बनी तो हिंदू महासभा के किसी भी व्यक्ति ने आजाद हिंद फौज ज्वाइन क्यों नहीं की, शामिल नहीं की, शामिल उसमें क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि आजाद हिंद फौज अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रही थी और हिंदू महासभा अंग्रेजों की दलाली कर रही थी, सावरकर फौज में अंग्रेजों की फौज में भारतीयों की भर्ती करा रहा था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार चला रहा था और अंग्रेज सरकार को बोल रहा था कि कांग्रेस का दमन क्यों बहुत जरूरी है और दमन के रास्ते बता रहा था कि अगर आपको देश में अपना राज बनाए रखना है तो इनको किस तरह से दबाना चाहिए। भर्ती करवाने की बात है तो 1962 में भी एक युद्ध हुआ था जब ये जिंदा था, माफी मांग के बाहर था चीन से, तब सावरकर का कभी कोई ऐसा चित्र क्यों नहीं मिलता कि ठीक है अंग्रेज चले गए थे कि चीन के खिलाफ ही हिंदू महासभा ना सही अपने लोगों से एक आह्वान ही कर दे, ये तो पॉलिटिकल आह्वान नहीं होता कि भाई आप भारत की सेना में शामिल होइए, वॉलंटियर मिलिशिया बनाइए, आप कुछ करिए, आप भारत के लिए लड़िए। सावरकर ने तो कभी चूं तक नहीं की, ना अंग्रेजों के खिलाफ, ना चीन के खिलाफ, ना तत्कालीन कांग्रेस सरकार के खिलाफ, हर बार माफी मांग के भागता रहा। ये कैसी वीरता होती है? अपने आप से पूछिएगा, बड़े सवाल हैं। इसकी माफियों के विस्तृत इतिहास पर कल आता हूँ और सावरकर पर भी एक पूरी सीरीज करता हूँ। ये वीडियोस देखते रहें, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप इसको साझा भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अगर कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछें। फिर मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी वीडियो के साथ।